चलो प्रॉब्लम सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर 9। ये फिगर दे, इन फिगर लाइन एल टचेस द सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर मालूम है ओ, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी सेंटर ओ है और लाइन एल ने टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी, तो ये पी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा और ये एल क्या हो सकता है, टेंजेंट। क्योंकि ये टेंजेंट क्यों है, क्योंकि लाइन एल ने सर्कल क्यों टच करा। फिर लोग ने बोले क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ओपी, ओपी रेडियस है ना, और बोले क्यू मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का सिंबल ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। फिर क्या बोल रहे हैं, आर एस इज अ कॉर्ड, आर एस इज अ कॉर्ड, आर एस कॉर्ड है ना, आर एस बोले कॉर्ड, आर एस इज अ कॉर्ड थ्रू क्यू सच डेट, इस तरीके से कि ये जो आर एस इज पैरेलल टू लाइन एल, कॉर्ड आर एस इज पैरेलल टू लाइन एल, ये कॉर्ड और ये लाइन एल यानी टेंजेंट क्या है, पैरेलल। अगर दो कॉर्ड पैरेलल दिख रहे, अगर ये ट्रांसवर्सल है, अगर ओपी ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। इफ आर एस की वैल्यू 12 है, आर एस की वैल्यू 12 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मेरे को रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करने का है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल ओ पी भी हो सकता है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल ओ आर भी हो सकता है, और वो रेडियस ऑफ द सर्कल ओ एस भी हो सकता है। तो मैं ओ से एस को ज्वाइन कर देता हूँ, या तो ओ को एस से ज्वाइन करो, या तो ओ को आर से ज्वाइन करो, किसी एक को ज्वाइन करो। ओ एस भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, और ओ आर भी क्या है, रेडियस है। मेरे को कोई एंगल दिख रहा है क्या, नहीं, मेरे को यहाँ पे मालूम है, अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। ये कॉर्ड और ये टेंजेंट पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ओ क्यू एस और एंगल क्यू पी, इधर मेरे को एक अल्फाबेट देना पड़ेगा टी। तो मेरे को इधर कंस्ट्रक्शन में, मैं इधर सॉल्यूशन में लिख के बता देता हूं, मार्क टी एस शोन इन द फिगर, है ना, मार्क पॉइंट टी, समझ है ना, एज शोन इन द फिगर, मार्क टी एज शोन इन द फिगर, ओके। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सर्कल के अंदर चैप्टर के अंदर आता है, अगर ये सर्कल है और कॉर्ड है, अगर कॉर्ड दिए और डिस्टेंस दे रहे परपेंडिकुलर, ओक्यू क्या है, डिस्टेंस, मालूम मेरा 9th स्टैंडर्ड के अंदर था, अगर आर एस कॉर्ड है और डिस्टेंस कौन है, ओक्यू, अगर डिस्टेंस कॉर्ड से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को आधा कर देने का, कॉर्ड को क्या कर देंगे, आधा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। और मेरे को मालूम है आर एस 12 है, अगर आर एस 12 तो क्यू आर भी 6 और क्यू एस भी 6, तो तुम्हारे को ये भी मालूम पड़ गया 6 है, क्यू एक्स 6 है मालूम पड़ा। अब क्या करेंगे, क्या तुम्हारे को ओ एस मालूम है, नहीं, क्या तुमको ओ क्यू मालूम है, नहीं, ना, तो अगर ओ एस और ओ क्यू मालूम रहता तो पाइथागोरस की मदद से करता था, पाइथागोरस से करता था कि नहीं, लेकिन वो भी नहीं मालूम है। तो क्या करो, मालूम रेडियस ऑफ द सर्कल को बोलो आर, रेडियस ऑफ द सर्कल को क्या बोलो आर, अगर ओ एस आर है तो ओपी भी आर, ओ एस आर ओपी आर, तो ओ क्यू क्या रहेगा, आर का आधा, क्यों, क्यू कौन है, मिड पॉइंट, क्यू कौन है, मिड पॉइंट, समझ आए, मैंने जितना भी बोला ना आधे से ज्यादा पूरा सोल्यूशन ही बता दिया। फिलहाल देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, मार्क टी एस शोन इन द फिगर, लाइन एल कौन है, टेंजेंट है, और ओपी कौन है, रेडियस है, रेडियस टेंजेंट से क्या रहता है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं था, 90 डिग्री मैंने लेकर आया, तो लिखेंगे एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 1, और रीजन देंगे टेंजेंट थ्योरम, क्या देंगे, टेंजेंट थ्योरम, इतना समझ आए। अच्छा दूसरा मेरे को और भी मालूम है, उन लोग ने दिए क्वेश्चन में कॉर्ड आर एस इज पैरेलल टू लाइन एल, हर चीज गिवन से आएगा, तो लिख कॉर्ड आर एस इज पैरेलल टू लाइन एल डॉट 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 गिवन, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो एंगल ओ क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी एस, सॉरी ओ क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी टी, है ना, या तो ओ पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू एस, समझ आए, क्या लिख रहा हूं मैं, ओ पी टी एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू ओ क्यू एस,
रीजन क्या लिखूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिखूंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बट तुम्हारे को ओपीटी 90 मिला है ना, एंगल ओपीटी कितना मिला 90 डिग्री, कैसे मिला फ्रॉम वन। अगर ओपीटी 90 है तो अब ओक्यूएसबी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन पैरेलल है ना। देयरफॉर एंगल ओक्यूएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर टू दे दो, ये इक्वेशन नंबर क्या दे दो टू। इतना समझ में आ गया, मैंने ये भी 90 लेके आ गया, ये भी 90 लेकर आ गया। ओके अच्छा, यानी अब ये फिगर के अंदर, ये सर्कल के अंदर ये कॉर्ड है, ये कौन है कॉर्ड, और अभी तुम्हारे को दिख रहा है ये OQ कौन है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कॉर्ड से क्या है परपेंडिकुलर, तो ये वो लिख के बताओ सेगमेंट OQ, उसको बातें बताने, सेगमेंट OQ इज परपेंडिकुलर टू, सेगमेंट OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RS, सेगमेंट OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RS, कैसे मालूम पड़ा फ्रॉम टू, क्योंकि इधर 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री दिख रहा है इसके लिए परपेंडिकुलर है, सेगमेंट OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RS। और तुम लोग को मैंने क्या बोला 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने सीखे, अगर सर्कल है अगर कॉर्ड दिए, क्या दे रहे कॉर्ड, कॉर्ड और डिस्टेंस बोलेंगे परपेंडिकुलर है, उन्होंने बोले नहीं थे लेकिन मैंने 90 डिग्री लेकर आ गया ना, इधर तुमने बता दिया परपेंडिकुलर। अगर ये सर्कल है ये कॉर्ड है, अगर डिस्टेंस कॉर्ड से परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस कॉर्ड से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को क्या कर देंगे हाफ, कॉर्ड को क्या कर देगा हाफ। तुम्हारे को मेन QR लेके सॉल्व करेंगे कि QS, मैं QS लेके सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों QR नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इधर मैंने ट्राइंगल नहीं बनाया, मैंने इधर बनाया, समझे ना। तो QS, QS इज हाफ ऑफ RS, रीजन क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन, स्टेटमेंट याद करना है, यानी जो मैं लिख रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड में है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये स्टेटमेंट याद करना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कब करेगा ये ऐसा हाफ या डबल कभी बताएगा, जब एक सर्कल देंगे और एक कॉर्ड देंगे और क्वेश्चन में डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिए थे तो, लेकिन तुमने बता दी ना डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, तो समझ रहे, तो ये करने का क्या लिखने का, QS इज हाफ ऑफ RS, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, QS की जगह पे QS, क्योंकि QS पता नहीं है, हाफ इंटू RS, RS कितना है पूरा RS, RS की वैल्यू दिए RS दे रहे 12, 2 अंदर 2, 2 6 अंदर 12, therefore QS is equal to 6, कुछ दिए नहीं यूनिट्स, QS कितना हो गया 6 यूनिट्स। अभी तुम्हारे को फाइंड क्या करने बोले, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये Q है और ये 6 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। तुम्हारे को ये पूरे ट्रायंगल के अंदर सिर्फ QS की वैल्यू मालूम है, क्या तुमको OS की वैल्यू मालूम है, उसके बाद लर्निंग कर लो ना, OS की वैल्यू मालूम है नहीं, OS रेडियस है, क्या OQ की वैल्यू मालूम है नहीं, तुमको मालूम है कि Q मिड पॉइंट है, जो वैल्यू OQ की है वही वैल्यू QP की है ना, कुछ मालूम है ना, लेकिन तुम्हारे को इतना मालूम है OS भी रेडियस है और OP भी रेडियस है, तो तुम लोग बताओ लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी R, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी R, तुम X भी लिख सकते, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या लिखा मैंने R, क्या लिखा R, यानी OS रेडियस OP भी रेडियस हो जाएगा, OP पूरा यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा R, O से P भी आ रहे हैं, समझा कह रहे, तो मैं इधर बता रहा हूं कौन कौन आ रहे हैं, OS इज इक्वल टू OP, OS भी R, OP भी R, OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू R, और इधर रीजन लिखना रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्या लिखेगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इतना मालूम है। अच्छा मेरे को चलो ये भी मिल गया, इसकी भी वैल्यू मालूम है, OP की भी वैल्यू मालूम, देखो OP नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए OQ, ये ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं पाइथागोरस से सॉल्व करूंगा ना, मेरे को QS मालूम है 6, मेरे को OS मालूम है R, क्या मेरे को OQ मालूम है नहीं, तो OQ बता सकते, कैसे बता सकते, Q मिड पॉइंट है किसका OP का, RS का नहीं है मिड पॉइंट, Q किसका मिड पॉइंट है OP का, पढ़ो इधर दिए उन लोग ने, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP, तो Q किसका मिड पॉइंट है रेडियस OP का, तो OQ क्या हो जाएगा
OQ हाफ हो जाएगा किसका, रेडियस का। OP इज हाफ ऑफ ए, OQ इज हाफ ऑफ OP, और OP क्या है R, बता रहे OP सॉरी क्या नाम OQ फाइन करेंगे ना, OQ इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय OP। रीजन क्या लिखेंगे ये क्वेश्चन में से लिख दो, पॉइंट Q, उन लोग ने लाख Q लिखे, तुम लिखेंगे पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP, ऑफ रेडियस OP। इतना समझ में आ गया, OQ की जगह पे OQ, हाफ की जगह पे हाफ, OP की वैल्यू कितनी है रेडियस, OQ इज इक्वल टू 1 इंटू रेडियस, रेडियस अपॉन 2। OQ की वैल्यू कितनी मिली, R अपॉन 2, सॉरी OQ ना, हाँ O से Q, R अपॉन ये R बाई 2 है, क्या लिखा मैंने R बाई 2, OQ की वैल्यू कितनी लिखा R बाई 2, OQ की वैल्यू R बाई 2 मिली ना, जो भी मैं ना मैं पीछे फिगर में लिख के बता रहा, मैंने फिगर बना के रखा हूँ, QS की वैल्यू 6 मिली, OS की वैल्यू R मिली और OQ की वैल्यू R बाई 2। QS की वैल्यू कितनी मिली 6, OS को ने R और OQ क्या मिला R अपॉन 2, R अपॉन 2 और ये मिला 90, ये भी 90 है ना। अब तुम लोग पाइथागोरस की मदद से करेंगे, क्या करेंगे पाइथागोरस की मदद से सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस का रहा था ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो इन ट्राइंगल OQS, इन ट्राइंगल OQS एंगल OQS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कहाँ से मिला तुम लोग ने इधर बताया ना, OQS 90 डिग्री फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 फ्रॉम 2। देयरफॉर OQS कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन है OS, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड, वन साइड कौन है OQ स्क्वायर प्लस अदर साइड कौन है QS स्क्वायर। OS कितना है R, ध्यान दे कुछ आ रहा नहीं, OQ की वैल्यू कितनी है R अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस QS कितना है 6 द होल स्क्वायर, R का स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। नीचे 4 आ रहा ना, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट नहीं कर सकते क्योंकि ये R स्क्वायर है और ये क्या है R स्क्वायर अपॉन 4 है, यू कांट कट दिस R स्क्वायर एंड R स्क्वायर। नीचे नंबर आएगा तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, ये 4 से 36 को कैंसिल भी नहीं कर सकते, बीच में क्या है प्लस, बेसिक बता रहा हूँ ध्यान दो, नीचे 4 आना 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 36, 4 इंटू आर स्क्वायर 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वन जा 4 वन जा 1 इंटू आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 36 4 जा 36 को 4 से मल्टीप्लाई करके इधर बता रहा हूँ 6 4 जा 24 कैरी 2 4 3 जा 12 13 14 कितना आया 144, 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 4 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया इज इक्वल टू 144, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 3, 3 से जाएगा ना 4 4 8 8 प्लस 1 9 3 से जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 13 14 2 कैरी 3 जा 24 बराबर ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48, आर इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 48, ये 49 होता तो मैं 7 लिखता, ये 48 है ना तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 2 है और 1 बार 3 है, R इज इक्वल टू 2 2 एक जैसा है 2 2 एक जैसा है और ये 3 है, R इज इक्वल टू 2 टू 4 4 रूट 3 4 रूट 3 यूनिट्स, सम खत्म नहीं हुआ, रेडियस वैल्यू 4 रूट 3 यूनिट्स फाइन करने क्या बोले क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल और आर क्या अज्यूम करे थे तुमने,
इधर लिखे ना लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, आर तुमने रेडियस को अज्यूम करे ना, तो रेडियस मिल गया, रेडियस कितना मिला तुम्हारे को 4√3 यूनिट्स। आंसर डॉट द दिख रहा है ना, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4√3 यूनिट्स। क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स इन द बोर्ड। तुम लोग को क्या याद रखने का, कभी भी एक मिनट के लिए पॉज करना जरा, मैं वीडियो वो बता, चलो ये सम के अंदर जो कॉर्ड आया था ना उसकी बेसिक बता रहा हूं, इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। देख ये सेंटर ओ है और ये कौन है पी क्यू है, समझो ये क्या है पी क्यू और ये समझो आर है, ये कौन है आर है। अगर ओ सेंटर है और ये पी क्यू क्या है कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड ही है ना। अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिए कि ओ आर सेगमेंट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी क्यू लिखो या कॉर्ड पी क्यू लिखो, एक मतलब अगर क्वेश्चन में दिए दिए ओ आर क्या, ओ आर को बोलते हैं डिस्टेंस, ओ आर कौन है डिस्टेंस, रेडियस नहीं है। ओपी रेडियस हो सकता है, ओक्यू रेडियस हो सकता है, लेकिन ओपी कौन है distance. ओपी रेडियस है और ओ आर डिस्टेंस है, ओ आर कौन है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कॉर्ड से परपेंडिकुलर है तो तुम लोग कॉर्ड को क्या कर देंगे आधा, कॉर्ड को क्या कर देंगे आधा, यानी पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, दोनों कॉर्ड इक्वल भी हो जाएंगे, ए सॉरी पी आर और क्यू आर इक्वल भी हो जाएंगे, और पी आर और क्यू आर दोनों हाफ किसके रहेंगे पी क्यू का। तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज हाफ ऑफ पी क्यू हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, और भी हो सकता है पी क्यू इज टू टाइम्स पी आर ए, है ना करेक्ट ना, और ऐसा भी हो सकता है पी क्यू इज टू टाइम्स क्यू आर। और इन सब के लिए रीजन एक ही, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इन चारों में से ये एक स्टेटमेंट से ये चार पॉसिबिलिटी है, जिसकी जरूरत है वो लिखो और ये लिख देने का। ये खाली मैंने वो सम बताने के लिए मैंने ये बेसिक बताया, ये पेपर में करना मत। फिनिश्ड।